भारतीय सेना को आज नई ताकत मिल गई है। सेना को नई शक्तिशाली तोप मिली है जिनके नाम है अल्ट्रा लाइट होविट्जर M777 और सेल्फ प्रोपेल्ड गन K9 वज्र। भारतीय सेना अपने दोनों पड़ोसियों यानी पाकिस्तान और चीन के साथ तनाव के दौर से लगातार गुजर रही है। दोनों ही मोर्चों पर भारतीय सेना को ऊंचे पहाड़ों पर दुश्मन का मुकाबला करना है और ऐसे पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में हार जीत का सारा दारोमदार तोपों पर ही टिका होता है। ऐसे में तोपखाने में नई तोपों का आना बेहद जरूरी है। अच्छी खबर यह है कि अब भारत को नई तोपें मिलनी शुरू हो गई। तो एक अच्छी खबर के साथ बुलेटिन की हमने शुरुआत की। भारतीय सेना को आज नई ताकत से लैस किया गया है। सेना को शक्तिशाली तोप मिली है जिनके नाम है अल्ट्रा लाइट होविट्जर M777 और सेल्फ प्रोपेल्ड गन K9 वज्र। भारतीय सेना के लिए इनका शामिल होना उनके बेड़े में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि इस बात की हमें जानकारी है, इल्म है कि पाकिस्तान और चीन दोनों ही पड़ोसी देशों के साथ इस वक्त तनावपूर्ण रिश्ते हैं भारत के, और ऐसे में भारतीय सेना को ऊंचे पहाड़ों पर जब दुश्मन का मुकाबला करना है तो इस तरीके की तोपों की बेहद जरूरत होती है।